द दिल्ली क्लॉथ एंड जर्नल मिल्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस वर्कमैन। इस केस में एक कंपनी होती है जिसकी दो ब्रांचेज होती हैं, DCM और SBM, दिल्ली क्लॉथ मिल्स एंड स्वतंत्र भारत मिल्स। दिल्ली क्लॉथ मिल्स के वर्कर्स अपनी कुछ डिमांड्स रखते हैं, लेकिन वो डिमांड्स फुलफिल ना हो पाने के कारण वर्कर्स काम बंद कर देते हैं और काम छोड़कर चले जाते हैं। मैनेजमेंट भी उसके बाद लॉकआउट डिक्लेयर कर देती है। बाद में SBM ब्रांच के वर्कर्स भी स्टे इन स्ट्राइक पर चले जाते हैं। तो इस तरह से एक डिस्प्यूट अराइज हो जाता है उस कंपनी की दोनों ब्रांचेस और उनके रेस्पेक्टिव वर्कमैन के बीच। डिस्प्यूट कंसिलिएशन ऑफिसर के पास जाता है, लेकिन कंसिलिएशन ऑफिसर कोई भी सेटलमेंट नहीं करा पाता मैनेजमेंट और वर्कर्स यूनियन के बीच। कंसिलिएशन ऑफिसर एक फेलियर रिपोर्ट सेंड करता है गवर्नमेंट को, जो कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पर, और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन इस डिस्प्यूट को रेफर कर देती है ट्रिब्यूनल को। रेफरेंस की टर्म्स में गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल को लिखती है कि ये जांच करो कि क्या यहाँ पर जो स्ट्राइक और लॉकआउट डिक्लेयर हुआ था DCM वाली ब्रांच में, क्या वो जस्टिफाइड और लीगल था, और क्या वर्कमैन को वेजेस दिए जाने चाहिए लॉकआउट पीरियड के दौरान, और क्या जो सिट डाउन स्ट्राइक हुई थी SBM में, क्या वो लीगल और जस्टिफाइड थी, और क्या जो वर्कमैन है SBM के, उन्हें स्ट्राइक पीरियड के दौरान के वेजेस दिए जाने चाहिए या नहीं दिए जाने चाहिए। देन मैनेजमेंट और वर्कर्स ट्रिब्यूनल में अपनी अपनी कंटेंशंस रखते हैं। मैनेजमेंट अपनी कंटेंशन ये रखती है कि ट्रिब्यूनल में जो क्वेश्चन रेफर किया जाना चाहिए था वो सिर्फ स्ट्राइक की लीगैलिटी और जस्टिफिकेशन को चेक करने के लिए किया जाना चाहिए था, लॉकआउट की नहीं, क्योंकि DCM वाली ब्रांच में वर्कर्स स्ट्राइक पर चले गए थे और SBM वाली ब्रांच में वर्कर्स सिट डाउन स्ट्राइक पर गए थे। इसलिए ट्रिब्यूनल में जो क्वेश्चन रेफर किया जाना चाहिए था गवर्नमेंट के द्वारा वो इन स्ट्राइक्स की लीगैलिटी और जस्टिफिकेशन को चेक करने के लिए किया जाना चाहिए था। लेकिन वर्कर्स अपनी ये कंटेंशन रखते हैं कि DCM में कोई स्ट्राइक ही नहीं हुई थी और SBM में जो स्ट्राइक की गई थी वो DCM के वर्कर्स की सिंपैथी के लिए की गई थी। लेकिन ट्रिब्यूनल ये कहती है कि वो जो गवर्नमेंट ने उसे क्वेश्चंस रेफर किए हैं, जो भी रेफरेंस की टर्म्स में जो क्वेश्चन पूछे हैं गवर्नमेंट ने ट्रिब्यूनल से, तो ट्रिब्यूनल उसके बियॉन्ड नहीं जाएगी। गवर्नमेंट ने ट्रिब्यूनल को जो भी रेफरेंस टर्म्स भेजी हैं, जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं, ट्रिब्यूनल उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करेगी, उन्हीं क्वेश्चंस पर ही एडजुडिकेट करके अपना डिसीजन सुनाएगी। तो इस केस में जो इशू है वो ये कि क्या ट्रिब्यूनल ने जो अपना डिसीजन सुनाया है वो इस एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग है? क्या ट्रिब्यूनल गवर्नमेंट ने जो रेफरेंस की टर्म्स दी हैं उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता? मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट एग्री करती है ट्रिब्यूनल के डिसीजन से। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करती है सेक्शन 10 क्लोज 4, जो ये कहता है कि ट्रिब्यूनल को अपनी एडजुडिकेशन वहीं तक कन्फाइन रखनी है, वहीं तक सीमित रखनी है जो भी डिस्प्यूट के पॉइंट्स गवर्नमेंट ने रेफर किए हैं ट्रिब्यूनल को, और मैटर्स जो भी इंसिडेंटल हो उन डिस्प्यूट के पॉइंट्स से। एक बार गवर्नमेंट ने जो भी रेफरेंस पॉइंट्स रेफर कर दिए ट्रिब्यूनल को, तो बाद में पार्टीज अपनी कंटेंशन में ये नहीं कह सकती कि हमने स्ट्राइक नहीं की थी या हमने लॉकआउट नहीं किया था। वर्कर्स ये नहीं कह सकते कि हमने स्ट्राइक नहीं की थी, और मैनेजमेंट ये मना नहीं कर सकते कि हमने लॉकआउट नहीं किया था। लेकिन हाँ, पार्टीज इस चीज के लिए फ्री हैं, पार्टीज ये शो कर दें अगर कि ये जो डिस्प्यूट है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन पार्टीज जो रेफरेंस ऑर्डर का जो बेस है उसको चैलेंज नहीं कर सकती। दोनों पार्टीज सिर्फ अपनी बात रख सकती है, ये शो कर सकती है कि ये डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ही नहीं है, और ट्रिब्यूनल दोनों पार्टीज की प्लीडिंग्स को देखेगा जिससे ट्रिब्यूनल को हेल्प मिले एडजुडिकेट करने में। सो फाइनली इस केस में यही डिसीजन आया कि ट्रिब्यूनल अपनी एडजुडिकेशन को वहीं तक सीमित रखेगा, उन पॉइंट्स तक ही सीमित रखेगा जो भी गवर्नमेंट ने उसे रेफर किया हो। ट्रिब्यूनल उन रेफरेंस टर्म्स के बियॉन्ड नहीं जा सकता।